खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अहंकारी हो गई है, उनके उम्मीदवार जमानत गवा बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी को अहंकारी करार देते हुए दावा किया कि चुनाव में उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। मुस्तफाबाद में एक जनसभा में केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस को गठबंधन करने के लिए राजी करने का प्रयास किया, लेकिन वो समझ नहीं पाई। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दिल्ली में अपनी जमानत गवा बैठेगी। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस उनके लिए तैयार नहीं हुई। कांग्रेस के इस फैसले के बाद AAP ने उस पर आरोप लगाया कि वो BJP को चुनाव जीतने में मदद कर रही है। अलग अलग सर्वे में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ने पर BJP दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी।